हाइपर ओएस के कुछ ऐसे फीचर्स जिनको आपने अभी तक यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे शाओमी यूज़र्स तो हमेशा हाइपर ओएस के इश्यूज़ को ही फाउंड करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी फीचर्स हमारे हैं जिनको यूज़र्स ने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा होगा। सो यहाँ पे शाओमी ने हाइपर ओएस एंड्रॉयड 14 के मेजर अपग्रेड के साथ न्यू फ्लोटिंग विंडो, न्यू साइड बार को लॉन्च किया था और उनमें आपको न्यू एनिमेशंस के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते थे। सो आप जब यहाँ पे साइड बार को ओपन करते हैं, इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जो भी आपने सेटिंग्स में से यहाँ पे इसको सेटअप कर रखा होगा। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ से प्लस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप एडिट फ्लोटिंग विंडो शॉर्टकट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो मान लीजिए कि आपको एक एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो में ओपन करनी है, सो आप सिंपली इसके ऊपर एक बार यहाँ पे टैप करते हैं और इसके ऊपर यहाँ से करने के बाद ये आपको एनिमेशन के हिसाब से वो वाली एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो में ईजिली ओपन कर देता है। और इसी के साथ आप जब साइड बार को फिर से ओपन करते हैं, साइड बार को फिर से ओपन करने के बाद एप्लीकेशन पे होल्ड करते हैं, सो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन में ओपन करना चाहते हैं या फिर आप इसको स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करना चाहते हैं। सो आप इसकी हेल्प से थर्ड पार्टी लॉन्चर्स में भी स्प्लिट स्क्रीन को ईजीली यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यूजर्स के लिए देखने के लिए मिल जाती है। सो अब यहाँ पे एक ऐसा कौन सा फीचर है जो आपने यहाँ से मिस कर दिया है, सो आपको सिंपली साइड बार ओपन करना है। साइड बार ओपन करने के बाद एक एप्लीकेशन को होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद आप जब इसको यहाँ से बाहर लेकर के आएंगे, सो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा फ्लोटिंग विंडो। सो इसके ऊपर इस तरीके से टैप करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके फ्लोटिंग विंडो में इजीली ओपन हो जाएगी और इसी के साथ आप यहाँ पे और भी एप्लीकेशंस के साथ ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे कर सकते हैं। सो ऐसा करने के बाद क्या आप यहाँ से तीन एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडोज़ में ओपन कर सकते हैं, सो हम इसको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो मैं गैलरी एप्लीकेशन को भी फ्लोटिंग विंडो में यहाँ पे डाल देता हूँ। सो जैसे ही मैंने गैलरी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में एंटर करवाया, सो यहाँ पे मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने टेलीग्राम को ओपन किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो गई। सो आपको ये न्यू एनिमेशंस के हिसाब से फ्लोटिंग विंडोज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या ये वाला फीचर आपके स्मार्टफोन में वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ये भी बता के जाना। सो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ, क्योंकि जब भी हाइपर ओएस 2 में हमें ऐसे ही एक्साइटिंग फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, इनके रिगार्डिंग मैं लॉन्ग वीडियो क्रिएट करता रहूँगा। सो आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप मेरी कोई से भी वीडियो यहाँ से मिस ना कर पाएँ।